नमस्कार, आप देख रहे हैं द नगरी मीडिया और मैं हूं आपके साथ अभिजीत शर्मा। दीपावली, देखिए दीपावली जो है वो भारतीय संस्कृति का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है और ये त्योहार इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि इसके अंदर 5 दिवसीय महापर्व जो हम कहते हैं वो मनाया जाता है और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो है लक्ष्मी जी की पूजा। लेकिन लक्ष्मी जी की पूजन विधि को लेकर के आज भी लोगों में कई तरीके के संशय रहते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि हमसे कोई किसी प्रकार की भूल चूक ना हो जाए, किस तरह से पूजा की विधि को संपन्न किया जाए, लक्ष्मी जी की पूजा कैसे करें, गणेश जी की कैसे करें, वो सारी समस्याएं और सारी ये जो प्रश्न होते हैं इनको लेकर आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है शास्त्री कौशलेंद्र दास जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी नमस्कार। जी, मेरा पहला सवाल जो आपसे रहेगा वो यही है कि जो लक्ष्मी जी की पूजा है वो सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है दीपावली पर, तो इसमें हम लक्ष्मी जी की पूजा करने से पहले वाली जो पूर्व की तैयारी है वो किस तरह से करें, पहले किस तरीके से तैयारी करें ताकि हमारी पूजा जो है वो अच्छे से संपन्न। दीपावली पर्व पर सबसे महत्वपूर्ण यदि कोई धार्मिक कृत्य है तो वह है माता लक्ष्मी का अर्चन। माता लक्ष्मी का पूजन किया जाता है दीपावली पर और इस पूजन में परिजन, मित्रगण, सभी सखा संबंधी बड़े उत्साह के साथ लक्ष्मी जी का पूजन करते हैं। बिल्कुल तो पूजन के पहले क्या तैयारियां संभार संस्कृत में कहा जाता है कर लेनी चाहिए, मैं बताता हूँ। एक पाटा लगाना चाहिए, चौकी या पाटा जिसको पट्टा कहते हैं, जी, और उस पाटे पे लाल रंग का वस्त्र बिछा देना चाहिए। यह वस्त्र सूती होना चाहिए या रेशमी वस्त्र, को आजकल पॉलिस्टर वगैरह लगाते हैं वह ठीक नहीं है। वो नहीं। पाटे के ऊपर लाल वस्त्र बिछा करके, अच्छा ये बात ध्यान रखने की है कि आप जब भी लक्ष्मी जी का पूजन कर रहे हो तो आपका मुंह 2 दिशाओं में से एक तरफ होना चाहिए। या तो आपका मुख पूर्व दिशा में होना चाहिए जी या फिर उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए, पश्चिम और दक्षिण में। दक्षिण नहीं, दिशा में तो भूल के ही आपका मुख नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब उस पाटे को दीवार के पास ऐसी जगह लगाया जाए जहां बड़ा आंगन को या उस स्थान को साफ झाड़ू पोंछा करके गंगा जल का प्रोक्षण करके वहां विराजमान किया जाए और पाटे के ऊपर चावल का एक चक्र बनाया जाए, इसको अष्ट कमल कहते हैं। चावल ऐसे रख दिए और चावल से यूं उसके बीच में, जिससे उसमें लगे कि ये 8 पंक्तियों का एक कमल है, उसके ऊपर आजकल अखबारों में या तमाम वो मिलते हैं बाजार में जिनको लक्ष्मी जी का पाना कहा जाता है, तो या तो वह लक्ष्मी जी का पाना वहां चिपका दिया जाए या कोई ऐसा चित्र हो जो चांदी का हो या कोई और धातु का हो या बना बनाया, हम उसको ट्रेडिशनली पारंपरिक रूप से उनको वहां विराजमान कर देना चाहिए। माता जी के दक्षिण दिशा की ओर गेहूं के ऊपर घी का दीपक जलाना चाहिए और माता जी के बाई तरफ गेहूं के ऊपर या जौ के ऊपर तेल का दीपक जला देना चाहिए। ये जोरदार बात है कि माता जी के दोनों तरफ दीपक जलते हैं, बीच में माता जी, पीछे पाटे के ऊपर लक्ष्मी जी हो गए, सामने भगवान गणपति को विराजमान कर देना चाहिए क्योंकि गणेश जी की सामने पूजा, की तरफ, हाँ उसी पाटे पे उसी पाटे। सामने बिल्कुल बीच में, जहां हमने चावल का बनाया, जी और जी कोई आवश्यक नहीं है आप चावल का बनाए, यदि आप चावल का नहीं बना पा रहे हैं अष्टकमल कोई बात नहीं, सीधा वस्त्र हो, वस्त्र के ऊपर लक्ष्मी जी, आगे गणेश जी, दोनों तरफ दीपक। ये तो ही मतलब देवताओं की तैयारी। अब एक थाली में जी सुंदर थाली को मांझ करके उसको सही करके उसमें रोली, मोली, चावल, सुपारी, लौंग, इलायची, कपूर, यज्ञोपवीत ये उसमें जमा लेने चाहिए। थोड़ा सा उसमें इत्र रुई में लगा करके रख लें। कमलगट्टा जो कि लक्ष्मी जी की पूजा में विशिष्ट काम में आता है, हल्दी की गांठ, हरिद्रा गांठ, जो हल्दी पिसी हुई नहीं, गांठ बिल्कुल हल्दी की गांठ साफ। उसमें रहे, ये भी थाली के अंदर रख ले। और उसके साथ ही एक जल का पात्र, जल का पात्र तांबे का हो सकता है, जल का पात्र चांदी का हो सकता है। लोहे की सामग्री को प्रयोग करने से बचना चाहिए, लोहे की सामग्री, प्लास्टिक की, कांच की, इसकी सामग्री हम जितना प्रयोग में पूजा में न लाएं उतना ही पूजा का स्तर श्रेयस्कर होता जाता है। अतः इन सब चीजों को हमको, प्लास्टिक हो, लोहा हो, या आजकल कई चीजें चल रही है जो पहचानने में नहीं आती किस धातु की, अच्छा यह है पीतल की थाली हो, कांसी की थाली हो, चांदी की थाली हो,
इसका पूजन करके एक पूजन की थाली तैयार कर ली जाए, सामने बैठने की व्यवस्था की जाए, सुंदर बिल्कुल ऐसा जो हम बिछा रहे हैं जिस पर बैठ करके हम लोगों को पूजा करनी है वो भी धुला हुआ होना चाहिए, नया नहीं हो कोई बात नहीं, धुला हुआ हो, ऐसा नहीं उस पर जूते चप्पल लेकर के हम लोग चले हों और उसी के ऊपर कोई आदमी, नहीं बिल्कुल सुंदर से स्वच्छता से। यह बात ध्यान रखने की है, काले और नीले न तो ये बैठने के वस्त्र होने चाहिए पूजा में और न ये पहनने के वस्त्र होने चाहिए। ऐसे वस्त्र पूजा में होने चाहिए जिनको देखने से ही शोभा और मंगल की प्राप्ति हो। लाल वस्त्र हो, पीले हो, हरे हो, गुलाबी हो, सुंदर वस्त्र जिनके अंदर मांगलिक वर्ण के जो वस्त्र होते हैं ऐसे वस्त्र होने चाहिए। महिलाओं के भी वस्त्र ऐसे ही हो, पुरुषों के भी वस्त्र ऐसे ही हो, क्योंकि हमारे यहाँ लिखा है देवो भूत्वा देवम यजेत ना देवो देवम अर्चयेत, स्वयं देवता बनके देवताओं का पूजन करना चाहिए। इसलिए हमारे यहाँ क्या करते हैं, पूजा के पहले आदमी को कहते हैं अरे भाई स्नान करो, मुख शुद्धि करो, हाथ पांव धो, नवीन वस्त्र धारण करो। क्यों? हम जब खुद देवता बनते हैं तब हम देवताओं की पूजा करने के योग्य। और माता जी लक्ष्मी जी की पूजा में एक चीज और है, माता जी के दोनों तरफ गन्ने लगाए जाते हैं जो पत्र के साथ होते हैं, अर्थात गन्ने के पत्तों को तोड़ा नहीं जाता है। और जहां गन्ने अनुपलब्ध है, गन्ने लगाना ही कोई जरूरी नहीं है, तो हमारे खेत में जो भी खेती हुई है भले ही वो बाजरे के सिट्टे हैं या क्या कहते हैं ज्वार है, उनको भी माता जी के चढ़ाया जाता है। तो ये प्रारंभिक तैयारी है, इस प्रारंभिक को तैयारी को करने के उपरांत शुभ मुहूर्त में देवी माता का पूजन प्रारंभ करना चाहिए। एक इसमें मेरे जहन में एक सवाल और आ रहा है कि कई जगह ऐसे सुनने को मिलता है कि लक्ष्मी जी खड़ी होनी चाहिए, कहीं बताते हैं बैठी हुई प्रतिमा होनी चाहिए या आप तस्वीर या जो भी पाना आप लगा रहे हो, इसके पीछे क्या धारणा है? देखिए पुराणों में दोनों ही प्रकार के श्लोक प्राप्त होते हैं जी, और वहां ये लिखा है कि भगवती लक्ष्मी का विग्रह होना चाहिए। और हमारे यहाँ तो प्रायः देवताओं के दर्शन करने जाते हैं तो आप देखिए भगवान खड़े ही मिलते हैं, जैसे जयपुर में राधा गोविंद देव जी महाराज खड़े हैं, आप श्रीनाथ जी महाराज के दर्शन करने जाइए खड़े हैं, आप तिरुपति बालाजी के दर्शन करने जाइए भगवान खड़े हैं, भगवान द्वारकाधीश खड़े हैं। इस प्रकार से हमारे यहाँ भगवान खड़े क्यों रहते हैं, ये प्रश्न खड़ा होता है कि भगवान क्यों खड़े रहते हैं। भगवान इसलिए खड़े रहते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि भक्त मेरा कुछ मुझसे कुछ मांग रहा हो और उसको देने में मुझे देरी हो जाए। भगवान तुरंत अपनी चैतन्यता को दर्शाने के लिए, अपनी सजगता को द्योतित करने के लिए भगवान खड़े रहते हैं, आपको बैठे हुए भगवान के दर्शन बहुत कम होंगे। वही बात हमारी माता जगत जननी पराम्बा लक्ष्मी जी की है। लक्ष्मी जी अपने पूजने वालों के दारिद्र्य को, शोक को, कष्ट को, दुख को, दरिद्रता को दूर करना चाहती है। इसलिए यह मानना है कई लोगों का कि जब लक्ष्मी जी खड़ी रहती है तो वे तुरंत अपने भक्तों की समस्याओं का समाधान करती है। दूसरे लोग कहते हैं कि नहीं साहब, लक्ष्मी जी चंचला है अतः वह बैठी हुई होनी चाहिए। इस प्रकार से दोनों ही प्रकार की परंपराएं भावनाओं के अनुरूप शास्त्र में और परंपरा में प्राप्त होती है। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है हमारा भाव, हमारी श्रद्धा, हमारी भावना। अब हम चाहे बैठी लक्ष्मी जी की पूजन कर रहे हैं या खड़े लक्ष्मी जी की पूजन कर रहे हैं, लेकिन यदि हमारा चित्त एकाग्र नहीं है, हमारे चित्त में कई प्रकार के विचार आ रहे हैं, पूजा में हमारा मन नहीं है, तो ऐसी पूजा आप चाहे लक्ष्मी जी महाराज की किसी भी अवस्था की कीजिए, वह आपको फल प्रदान नहीं करेगी। और यदि आप शुद्ध चित्त से, शुद्ध मन से, शुद्ध बुद्धि से यदि आप माता लक्ष्मी जी का पूजन करेंगे, निश्चित रूप से वो तो जगत जननी है, पराम्बा है, हम सबकी माता है, वो हमको आशीर्वाद प्रदान करेगी। ये तो आपने बताया कि पूजा से पूर्व क्या तैयारियां करें जी। अब मैं आपसे जानना चाहूंगा कि पूजा की विधि के बारे में भी बताएं। हाँ जी, आपने अच्छा कहा। प्रायः क्या होता है कि हमारे यहाँ जो लोग हैं, ये ठीक बात है, कई जगह तो पंडित लोग, ब्राह्मण लोग, पुरोहित पहुंच करके पूजन करवाते हैं, लेकिन वे कितनी जगह पहुंचते होंगे, क्योंकि मुहूर्त सीमित समय के लिए होता है। वहाँ कोई भी व्यक्ति भगवान का रूप नहीं है जो अनेक रूप को प्रकट कर ले, आदमी की तो अपनी सीमा है। और वो यदि जल्दबाजी में पूजा होती है तो वह भी पूजा के देखिए कई प्रकार के दोष होते हैं। उसमें पूजा में लिखा है त्वरा, शीघ्रता से पूजन कर लेना ही अपने आप में एक दोष है, या धीरे धीरे बहुत विलंब से धीरे धीरे धीरे, वह भी दोष है। पूजा का क्रम होना चाहिए कि बिल्कुल एक क्रम से चलनी चाहिए। तो जहां पंडित जी उपलब्ध है वहां तो पंडित जी महाराज बैठ करके पूजन करवाते ही हैं विद्वान लोग, लेकिन जहां पंडित जी उपलब्ध नहीं है वहां पर यदि कोई अपने व्यापार में पूजन कर रहे हैं,
कोई अपने व्यापारिक स्थान के अलावा घर पे पूजन कर रहे हैं, पति पत्नी माता पिता पुत्र बांधव बंधु बांधव सब बैठ करके पूजन कर रहे हैं, या कई बार ऐसा होता है कि कई बार लोग होते हैं कि शहर में कोई अकेले ही रह गए और गांव चले गए, या गांव में अकेले रह गए शहर में रह गए, भाई एक ही आदमी है पूजा करने वाले, तो ये पूजा करे कैसे, या आपने सही कहा ये जानने की बात है। तो मैं आपको बहुत सामान्य एक पद्धति जो जो ऑप्शनल नहीं है, कंपलसरी मतलब अनिवार्य है, ऐच्छिक नहीं है कि उसको अतिरिक्त बढ़ाया जाए, वो मैं आपको निवेदन करता हूँ। बिल्कुल, हमारे यहाँ क्या होता है कि जब भी पूजन प्रारंभ किया जाता है तो सबसे पहले हमारे यहाँ पवित्रीकरण होता है। हमको क्या करना है, हाथ में जल गंध अक्षत पुष्प द्रव्य, द्रव्य मतलब कोई भी सिक्का या दक्षिणा हाथ में लेकर के उसमें फल रख लें और ऐसे हाथ नीचे लगाने में, और संकल्प करें। अब संकल्प कैसे करें, तो हम अधिक भी नहीं कर पा रहे हैं तो तीन बार बोले ओम विष्णु विष्णु विष्णु। अब मैं बोल देता हूं, केवल संकल्प को सुनने मात्र से ही सिद्धि हो जाती है। ओम विष्णुर विष्णुर विष्णु अद्य श्रीमद भगवतो महापुरुषस्य विष्णोः आज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणोन्नि द्वितीय परार्धे श्री श्वेत वाराह कल्पे सप्तमे वैवस्वत मन्मंत्रे अष्टाविंशतमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखंडे आर्यावर्तांतर्गत ब्रह्मावर्ते के देशे कुमारिका नामनी क्षेत्रे तत्र भारत राष्ट्रे। अब भारत राष्ट्र के आप जिस प्रांत में, उदाहरण के लिए मैं जयपुर का नाम लेके बताता हूँ, भारत राष्ट्र से राजस्थान नामनी प्रांते राजस्थान प्रांतस्य जयपुर नगरे। अब यदि आप जयपुर में नहीं है, जोधपुर में है तो जोधपुर नगरे, यदि आप मान लीजिए कोटा में है तो कोटा नगरे, आप भरतपुर में है तो भरतपुर नगरे, आप उदयपुर में है तो उदयपुर नामनी नगरे, जहां भी आप है इंदौर इंदौर नगरे भोपाल नगरे जहां आप है, ठीक है। इत्यस्मिन् नगरे सायंकाले प्रदोषकाले एकाशीत्युत्तर द्विसहस्रतमे वैक्रमाब्दे सूर्य दक्षिणायने कार्तिक मासे शुभे कृष्णे पक्षे अमावास्यायां तिथौ, अमावस्या तिथि के ऊपर जो वार है उस वार का उच्चारण कर ले, ठीक है, और अपना गोत्र बोले, गोत्र बोलने के बाद अपना नाम बोले, ठीक है, और उसके बाद में श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्त्यर्थम, पुराणोक्त फल प्राप्त्यर्थम, इसके बाद में अद्य दीपावली इति विशेष पर्वणि यथामति यथाविधि यथाशक्ति भगवत्याः श्री लक्ष्मी देव्याः पूजनम अर्चनम अहम करिष्ये, और इस जल को यूं भूमि पर छोड़ देंगे, भूमि पर छोड़ देंगे, ये संकल्प हो गया। अब संकल्प के बाद हम सभी लोग जानते हैं कि हमारे यहाँ सबसे पहले पूजा किनकी होती है, गणेश जी महाराज की पूजा होती है, लेकिन गणेश जी महाराज के पूजा के पहले भी हमको दो देवताओं का पूजन और करना है। अच्छा। एक तो जो हमारे पास जलपात्र है उस जलपात्र में वरुण देवता विराजमान है, वो केवल पानी नहीं है कि उठा करके कोई पानी पी लेना, वो देवताओं के पूजन में काम में आने वाला जल है तो वो वरुण देवता है। वरुण देवता के लिए उस जलपात्र के अंदर थोड़ी सी रोली छोड़ देवे, अक्षत छोड़ देवे और ओम वम वरुणाय नमः इस मंत्र का उच्चारण करते हुए उसमें एक सिक्का छोड़ देवे और उस कलश के बाहर चारों तरफ पूर्व से प्रारंभ करके चारों दिशाओं में चार बिंदी लगा देंगे। पहले पूर्व में लगाए तो बोले ओम ऋग्वेदाय नमः, दक्षिण में लगाए फिर ओम यजुर्वेदाय नमः, पश्चिम में ओम सामवेदाय नमः और उत्तर में ओम अथर्ववेदाय नमः, और कलश में जब कुमकुम छोड़े ओम गायत्र्यादिभ्यो नमः कलश मध्ये अपाम पतये वम वरुणाय नमः, और कलश का थोड़ा सा अपने ऊपर प्रोक्षण कर लेवे जो कलश का जल है। उसके बाद में हाथ में अक्षत पुष्प लेकर के दोनों दीपक जो हमने जलवाए हैं, घी का भी दीपक है दाहिनी ओर माताजी के, बाईं ओर तेल का दीपक है, दोनों के अक्षत पुष्प चढ़ा देवे, थोड़ी सी कुमकुम अक्षत पुष्प और उनको नमस्कार प्रणाम कर लेवे और एक मंत्र का उच्चारण करें, भो दीप देव रूपस्तम कर्म साक्षी य विघ्न कृत यावत कर्म समाप्ति स्यात् तावत् तम सुस्थिरो भव। कई लोगों की यह मान्यता है कि दीपावली की संपूर्ण रात्रि दीप जलने चाहिए, तो कई लोग उन दीपक का संपूर्ण रात्रि ध्यान भी रखते हैं, यदि वो प्रज्वलित होते हैं तो बहुत अच्छा है, यदि वो संपूर्ण रात्रि प्रज्वलित नहीं रख पा रहे हैं तो कोई आवश्यक नहीं है कि सारी रात्रि जलाए, जब तक लक्ष्मी पूजन होता रहे इस कर्म का संपादन होता रहे तब तक वे दोनों दीप प्रज्वलित रहने चाहिए। उसके बाद हम गणेश जी महाराज का पूजन करते हैं, तो हाथ में अक्षत पुष्प लेकर के भगवान गणेश जी के चढ़ाए, तीन बार उनके ऊपर जल छोड़े, पाद्यम समर्पयामि नमः अर्घ्यम समर्पयामि नमः आचमनीयम जलम समर्पयामि। कलश से जल छोड़ने के लिए हम किसी जो पान का पत्ता आता है उसका भी उपयोग कर सकते हैं, दूर्वा को ऐसे मोली से बांध करके उसका भी उपयोग कर सकते हैं, दोनों यदि अनुपलब्ध हो तो कोई अशोक का पत्ता या कोई हमारे पास जो वो जल चढ़ाने वाली जो
पूजा में काम में आती है उसको आचमनी कहते हैं। आचमनी से भी हम लोग जल चढ़ा सकते हैं, तीन बार जल चढ़ाएं। पाद्यम पहले बार चढ़ाते हुए बोले पाद्यम समर्पयामि नमः, दूसरी बार गणेश जी पे प्रतिमा है। अच्छा गणेश जी की बात जोरदार, मूर्ति नहीं है गणेश जी की तो सुपारी के मोली मान ले, गणेश जी बन गए। सुपारी भी अनुपलब्ध है तो मिट्टी के ही मान ले, पतासे के ही मान ले। हमारे देवता सर्वसुलभ, हमारे देवता सब जगह है, तो देवताओं को गणेश जी महाराज के रूप में पाद्यम समर्पयामि नमः, दूसरी बार में अर्घ्यम समर्पयामि नमः, तीसरी बार में आचमनीयम जलम समर्पयामि, चौथी बार में भगवान पे जल चढ़ाए, भगवान के स्नान की कल्पना करें कि मैं गणेश जी को स्नान करा रहा हूँ। उसके बाद मोली तोड़ करके गणेश जी महाराज के वस्त्र चढ़ा दे, यज्ञोपवीत चढ़ा दे, यज्ञोपवीत मतलब जनेऊ चढ़ाए। उसके बाद आचमन करवाए, आचमन करवाने के बाद गणेश जी महाराज के मोली चढ़ा दे। यदि चंदन उपलब्ध हो, आपने चंदन भी घिसा हो पूजा के लिए, तो चंदन लगा दे, अक्षत लगाए, भगवान को पुष्पमाला पहना देवे, पुष्प चढ़ा देवे, जो हमारे पास पुष्प उपलब्ध है, दूर्वांकुर चढ़ा देवे। दूर्वांकुर गणेश जी महाराज को बहुत प्रिय है। उसके बाद भगवान गणपति के ऊपर सुगंधित द्रव्य और परिमल द्रव्य, सुगंधित द्रव्य परिमल द्रव्य मतलब गुलाल थोड़ी सी चढ़ा देवे, अबीर एक चमकीला चमकीला सा पदार्थ होता है अबीर, वह चढ़ा देवे, अभ्रक जिसको बोलते हैं। अच्छा, और सिंदूर गणेश जी महाराज को बहुत प्रिय है। जयपुर के बहुत बड़े विद्वान थे महामहोपाध्याय पंडित गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी जी, उन्होंने तो यहीं से गणेश जी की स्तुति की है। सिंदूर पूरा ऋणिताखिलांगो यज्ञोपवीति कृतनागराज उद्दाम विघ्नौघ विघात दक्ष पायाद पायाद निशम गणेश। गणेश जी महाराज के दूर्वा और सिंदूर चढ़ा देने से भगवान गणपति अत्यंत प्रसन्न होते हैं। उसके बाद गणेश जी महाराज को अगरबत्ती जला के धूप दिखा देवे और दीपक की तरफ अक्षत छोड़ देवे, हाथ धो लेवे। धूप और दीप का स्पर्श करने के बाद हाथ धोया जाता है। जो हमने मिठाई बनाई है उसका भोग लगाएं। लेकिन हमारे यहाँ शास्त्रों में लिखा है गणेश जी महाराज को कौन सी मिठाई प्रिय है, लिखा है गणेशो मोदक प्रिय है। गणेश जी महाराज को मोदक यानी लड्डू बहुत प्रिय है। गणपति के मोदक चढ़ा देवे, जो घर में प्रसाद बना है वह मिठाई चढ़ा देवे। उसके बाद पांच बार जल छोड़े, ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम ध्यानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, ओम अमृतोम समानाय स्वाहा, ओम अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा। ये भगवान को बताया गया कि आचमन करवा दिया गया। उसके बाद ऐसे दोनों हाथों में कुमकुम, देखिए इस प्रकार इस अंगुली पे यहाँ लगानी है, जो चिट्टी अंगुली इसको छोटी वाली कनिष्ठिका है उसके पास में यहाँ लगा करके गणेश जी की तरफ ऐसे थोड़ा कुमकुम, यह हाथ लग धुलवाने के बाद गणेश जी के हाथों को सुंदर सुशोभित चंदन से रंजित करने के लिए है। इसको बोलते हैं करोदवर्तन, गणेश जी के करोदवर्तन, कर उद्वर्तन, हाथ का उद्वर्तन। और उद्वर्तन शब्द का ही उबटन बन गया हमारे यहाँ, संस्कृत का मूल शब्द उद्वर्तन है, उसी का बन गया हमारे यहाँ उबटन। तो गणेश जी महाराज के हाथों को सुंदर कर दे, ये भावना है हम लोगों की देवताओं के प्रति। उसके बाद उनको फल चढ़ा दे, ऋतु फल, कौन सा फल चढ़ाना चाहिए लिखा है जो उस ऋतु में फल आ रहे हो, ऐसा नहीं लिखा हुआ यही फल चढ़ाए, ऋतु फल चढ़ा दे। उसके बाद भगवान के पान चढ़ाए, तो पान मतलब वो नहीं जो वो मसाला और चूना, वो नहीं, उस पान के अंदर सुंदर एक पान का पत्ता, उसमें आप सुपारी रखिए, इलायची रखिए, लौंग रखिए, गणेश जी महाराज को उसको समर्पित कर दीजिए। और बाद में इस पूरी पूजा में जो कमी रह गई हो उसकी पूर्ति के लिए यथाशक्ति जो आपको उपयुक्त लगता है गणेश जी महाराज के दक्षिणा भेंट कर दे दीजिए। उसके बाद हाथ जोड़ करके भगवान को नमस्कार समर्पित करना चाहिए। एक बात मैं यहाँ जरूर कहता हूँ, जितनी भी चीजें पदार्थ हमने भगवान गणेश जी के चढ़ाई, इनकी शुद्धता पे विवाद हो सकता है, कोई शुद्ध है प्योर है कि नहीं है, लेकिन एक चीज हम बिल्कुल शत प्रतिशत शुद्ध गणेश जी के चढ़ा सकते हैं, वो है नमस्कार। उसमें कोई मिलावट नहीं होनी चाहिए। तो गणेश जी को हे गणपति, हमारे पास जैसे संसाधन है, जो हमने बुद्धि है, जितना हमको ज्ञान है, हमारे में जितनी श्रद्धा है विश्वास है, हम आपकी पूजा कर रहे हैं, हमारा ये नमस्कार आप स्वीकार कीजिए। और पूरी पूजा करने के बाद हाथ में जल लेकर के बोलना चाहिए, गणेश पूजने कर्म यन्यूनम अधिकम कृतम तेन सर्वेण सर्वात्मा प्रसन्नोस्तु सदा मम अनया पूजया रिद्धि सिद्धि लाभ शुभ सहित श्रीमन महागणपति प्रियताम नमः। देखिए जल को इस प्रकार से छोड़ना चाहिए, अभी तक केवल गणेश जी का पूजन हुआ और बाद में बोलना चाहिए श्री गणपति महाराज की जय। अब गणेश जी की पूजा के बाद भगवती सरस्वती जी का पूजन करना चाहिए। देखिए हमारी संस्कृति बड़ी गजब है, हमारे यहाँ कहते हैं लक्ष्मी जी और सरस्वती जी साथ नहीं होते, कितनी भ्रामक बात है। दीपावली की रात्रि हम लक्ष्मी जी और सरस्वती जी दोनों का पूजन करते हैं। क्यों करते हैं? धन आ जाने के ऊपर वह तभी रुकता है जब उस पर बुद्धि का सही संयम हो, निग्रह हो। और सही बुद्धि कौन रखती है? माता शारदा, माता सरस्वती जी। भगवती सरस्वती जी को प्रणाम करना चाहिए, जैसे मैंने गणेश जी का पूजन बताया
उसी रूप से सरस्वती जी को भी स्नान, वस्त्र, उनको कुमकुम, अक्षत, चावल, धूप, दीप, नैवेद्य, फल, तांबूल, दक्षिणा चढ़ा करके माता सरस्वती को प्रणाम करना चाहिए और प्रार्थना करनी चाहिए, सरस्वती महाभागे विद्ये कमल लोचने विद्या रूपी विशालाक्षी विद्याम देहि नमोस्तुते, हे भगवती मुझे विद्या प्रदान कीजिए जिससे हमारी, मेरे परिवार की, मेरे समाज की, हमारे राष्ट्र की बुद्धि सही रहे और हम लोग सतपथ पर आगे चलते रहे। अब अवसर प्राप्त होता है भगवती महालक्ष्मी जी के पूजन का, जो दीपावली का मुख्य एक विषय है। इसमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले लक्ष्मी जी की प्रतिष्ठा करनी चाहिए। तो यदि हम उस प्रतिमा की पूजा कर रहे हैं या चित्र की पूजा कर रहे हैं जो ट्रेडिशनली हम लोग करते आए, तब तो उसमें प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन यदि कोई नया हमने मान लो चांदी के लक्ष्मी जी बनाए या कागज पे बने हुए हैं या दीवार पे भी कई लोग लक्ष्मी, ज्यादातर लोगों के कागज के जो पन्ना कागज के अंदर लक्ष्मी जी, गणेश जी और सरस्वती जी, वो जो पन्ना है उसको पन्ना, उसको हमारे यहाँ लोक भाषा में मालपुरा की तरफ पाना 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 वो बोलते हैं। मेरा संस्कार उधर टोंकी लगे मालपुरा का है तो मैं वही बोलता हूँ। तो उसमें क्या है कि पाना का उसको जो पन्ना है उसको सुंदर दीवार पे लगा करके और उसके बाद भगवती लक्ष्मी जी को सबसे पहले हाथ में अक्षत लेकर के उनका आवाहन करना चाहिए। हे भगवती आप पधारो, हम आपके बालक आपका पूजन करना चाहते हैं, और भगवती का आवाहन कर लेना चाहिए और कहना चाहिए ओम महालक्ष्मी नमः आवाहयामि स्थापयामि, ये कहते हुए पुष्प चढ़ा देने, ठीक है। उसके बाद वही क्रम, हाथ में जल्ले में सबसे पहले इदम पाद्यम समर्पयामि नमः। पाद्यम शब्द का तात्पर्य जब लक्ष्मी जी का आपने आवाहन किया और लक्ष्मी जी पधार गई हैं तो पाद्यम शब्द का अर्थ होता है पाद्यम पादाय वारिणी, भगवती लक्ष्मी जी के चरण प्रक्षालन के लिए जो जल छोड़ा जा रहा है उसको पाद्य कहते हैं। अमर कोश में लिखा है पाद्यम पादाय वारिणी, पांव के धोने के लिए, पाद प्रक्षालन के लिए जो जल चढ़ाए जाते हैं वही पाद्य। अर्घ्यम, लक्ष्मी जी को अर्घ्य समर्पित करना चाहिए। इसमें भावना है कि हमारे यहाँ कोई आता है तो हाथ पांव धोकर के ना, हमने लक्ष्मी जी को बुलाया, लक्ष्मी जी चल के हमारे यहाँ आ रही है, लक्ष्मी जी के हमने चरण धोए, हाथ धोए, आचमनम, तो पहले पाद्यम समर्पयामि नमः, फिर अर्घ्यम समर्पयामि नमः, फिर आचमनीयम जलम समर्पयामि नमः, और उसके बाद क्या करना चाहिए, सर्वांगे स्नानीयम जलम समर्पयामि नमः। हे माता जी मैं आपके सर्वांग में स्नान हो अतः आपको जल समर्पित कर रहा हूँ। तो ऐसा नहीं कि हम उस पन्ने के ऊपर जल चढ़ाएं, यदि प्रतिमा है, कई जगह क्या होता है श्री यंत्र वगैरह भी होते हैं, तो यदि यंत्र का पूजन कर रहे हैं तब तो उसमें पूजा आता है, लेकिन कागज पे तुम लोग कर नहीं, तो दिखा करके ऐसे घुमा करके सामने जल को छोड़ देना चाहिए। देवता भाव का ग्रहण करते हैं, वस्तु का ग्रहण नहीं करते। बिल्कुल, देखा पितरः वाक्यम इच्छन्ति भावम इच्छन्ति देवताः, हमारे पितर लोग वाक्य का ही ग्रहण करते हैं और हमारे देवता जो हैं वे भाव का ग्रहण करते हैं कि ये कर किस भाव से रहा है, हमारे पास क्या सामग्री है जो हम लक्ष्मी जी के चढ़ाएंगे, वो तो जगत जननी है, वो तो सारे निधियों की संपदा की संपत्ति की स्वामिनी है, हम उनके क्या चढ़ाएंगे, हम वो भाव का ग्रहण करते हैं, वो देखते हैं ये भाव से तो दरिद्र नहीं है, ये भाव से संपन्न होना चाहिए व्यक्ति। स्नान करवा दे, स्नानोपरांत भगवती लक्ष्मी को वस्त्र धारण करवाए। तो यदि वस्त्र आपने कोई महिलोचित वस्त्र आपने रखे हैं भगवती के लिए, साड़ी है, ब्लाउज है, वो भगवती के यदि आप अर्पित कर रहे हैं तो भगवती को वस्त्र समर्पित करें। नहीं यदि है कोई बात नहीं, तो मौली का सूत्र टुकड़ा तोड़ करके लक्ष्मी जी के दो बार चढ़ाएं, एक बार वस्त्र और एक बार उपवस्त्र। चढ़ाते हुए बोले वस्त्रम समर्पयामि नमः, उपवस्त्रम समर्पयामि नमः, ठीक है। उसके बाद भगवती लक्ष्मी जी के कुमकुम का तिलक लगाएं, मस्तक पे भी लगावे, लक्ष्मी जी के श्री चरणों में तिलक लगाए। बहुत अच्छा श्लोक है, मैं इसको बोलता हूँ, कुमकुमम कामना दिव्यम कामिनी काम संभवम कुमकुमेनार्चितो देवी गृहाण परमेश्वरी। हे परमेश्वरी आप इस कुमकुम को स्वीकार कीजिए, अक्षत लगा देवे, अक्षताश्चय सुरश्रेष्ठे कुमकुमात्ता सुशोभिता मया निवेदिता भक्त्या गृहाण परमेश्वरी। कुमकुम चढ़ा दिया, उसके बाद में भगवती लक्ष्मी के माला अर्पित करें। माला यदि कमल पुष्प प्राप्त हो तो कमल, स्कंद पुराण में लिखा है कि कमल पुष्प से देवी अत्यंत प्रसन्न होती है, क्योंकि कमल देवी का निवास है, देवी का नाम ही है कमलासना, कमल उनका आसन है, पद्मा पद्मजा, देवी स्वयं पद्म से ही उत्पन्न हुई है, समुद्र से, ऐसा लिखा हुआ है। तो पद्म उनको बहुत प्रिय है, कमल कमल उनके भाई भी है, कमल भी समुद्र में उत्पन्न होते हैं। और कमल के साथ एक खासियत और है, ब्रह्मा जी की सारी सृष्टि में एक चीज ही है जिसको ब्रह्मा जी ने नहीं बनाया हुआ है, कमल। कमल क्योंकि भगवान विष्णु की नाभि कमल से कमल निकला
उससे ब्रह्मा जी निकले। तो कमल को हमारे यहाँ कहा जाता है कि ब्रह्मा जी की सृष्टि में कमल नहीं है, अतः लक्ष्मी जी को कमल बहुत प्रिय है। कमल नहीं हो तो कमल गट्टा भी चढ़ाया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि हम लोग कमल के लिए परेशान होते रहें, जो उपलब्ध हो। लिखा है यथा मिलितोपचार द्रव्य ही पूजनम करणीयम, जो मिलित जो द्रव्य प्राप्त हो गए पूजा के लिए उनसे ही देवताओं का पूजन कर देना चाहिए। आपने बताया कि वो भाव के भूखे, भाव के भूखे, क्या बात। तो उसके बाद में पुष्प चढ़ाए, माल्यादीनि सुगंधीनि मालत्यादीनि वै प्रभो मया नीतानि पुष्पाणि गृहाण परमेश्वरी, इस मंत्र को उच्चारण करके भगवती को चढ़ा दे। में भगवती के सुंदर पुष्प चढ़ाए, सिंदूर चढ़ाए, सिंदूर चढ़ा करके भगवती के गुलाल चढ़ाए, अबीर चढ़ाए, सुगंधित तेल चढ़ाए भगवती के, अबीरम च गुलालम च हरिद्रादि समन्वितम नाना परिमल द्रव्यम गृहाण परमेश्वरी, अनेक प्रकार के द्रव्य भगवती को समर्पित करें। उसके बाद लिखा है धूप भगवती के चारों तरफ घुमाएं, धूप दिखाएं, बाईं तरफ देवी माता के धूप रखी जाती है, अपने बाईं तरफ नहीं, ध्यान रखना है देवी माता के बाईं तरफ धूप, ठीक है। धूप यदि धूप हम लोग उसमें कंडे वाली धूप करके यदि गूगल और हमारे पास दशांग धूप इत्यादि उपलब्ध, लोभान धूप, हाँ लोभान इत्यादि, तो वह अच्छा होता है, उसको करें। वह धूप उपलब्ध नहीं हो तो जैसे हमारे पास उपलब्ध है उससे ही भगवती को धूप दिखाएं। धूप को बाईं तरफ देवी माता के रखने में, दक्षिणी तरफ दीप की तरफ, दक्षिण में जो दीप देवता विराजमान है, ओम दीप ज्योतिषे नमः, यह बोल करके दीपक की तरफ अक्षत छोड़े और देवी माता को बोले साज्यम च वर्ति संयुक्तम वन्निना योजितम मया दीपम गृहाण देवेशी त्रैलोक्यति विरापम। अब देखिए लक्ष्मी माता के पूजन में जब हम उनको इतनी पूजा के बाद दीप दिखा रहे हैं, तब थाली के अंदर कम से कम 11-21 दीपक जला करके लक्ष्मी जी के चारों तरफ रोशनी कर देंगे, यही दीप दिखाने का समय है माता लक्ष्मी जी को। उसके बाद सुंदर भोग सामने लक्ष्मी जी के पाटे के ऊपर रखें, भोग को नीचे नहीं रखें, एक सुंदर पट्टे के ऊपर, पाटे के ऊपर थाली में जितना सुंदर हम सजा सकते हैं हम कर सकते हैं लक्ष्मी जी के, उसमें कई प्रकार के भोग हो, मेवे हो, जो हमारे पास उपलब्ध हमने घर में बनाए, भगवती लक्ष्मी पराम्बा के भोग लगाए। इस प्रकार से नेत्र बंद करके प्रार्थना करें मानसिक रूप से, हे भगवती हमारे पास जो भी है इसको आप ग्रहण कीजिए। शर्करा खंड खाद्यानि दधि क्षीर घृतानि च आहारम भक्ष भोज्यम च नैवेद्यम प्रतिगृह्यताम, हे भगवती त्वया इदम नैवेद्यम प्रतिगृह्यताम, भवत्या इदम नैवेद्यम प्रतिगृह्यताम, आपके द्वारा इस नैवेद्य को ग्रहण करना चाहिए, ग्रहण किया जाए। उसके बाद भगवती को आचमन करवाएं, आचमन ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा, ओम अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा, हस्त प्रक्षालनार्थम जलम समर्पयामि नमः। देवी माता को भोग लगाने के पहले भी हमको हाथ धोने हैं, धूप दीप दिखाने के बाद, और इसके बाद में हमको माता जी को आचमन कराने हैं, उसके बाद फल चढ़ाने हैं। फल में हमारे यहाँ देखिए लक्ष्मी जी के जो भी बेर सिंघाड़े शकरकंदी ये सब चीजें लक्ष्मी जी के चढ़ती है, यही ऋतु फल है। जो भी फल उपस्थित हो हमारे पास, सीताफल, क्या कहते हैं नारंगी, जो भी हमारे पास फल है, जो भी हो, जो भी ऋतु फल है उसको लक्ष्मी जी को समर्पित करें। सुंदर पान चढ़ाए लक्ष्मी जी को, पान के पत्ते के साथ इलायची लौंग सुगंधित द्रव्य लक्ष्मी जी को समर्पित करें और भगवती महालक्ष्मी जी के चरणों में दक्षिणा समर्पित करें। दक्षिणा इसीलिए चढ़ाई जाती है। और संपूर्ण इस पूजन के बाद में एक थाली में 5 बत्तियां कम से कम लगा करके, विषम संख्या में 5 हो 7 हो जितने आपके पास श्रद्धा हो, उसके बाद में भगवती लक्ष्मी जी की हमको आरती करनी है। आरती के पहले हम लोगों को एक काम अतिरिक्त हम लोग कर सकते हैं, इससे निश्चित रूप से भगवती लक्ष्मी जी की कृपा से हम सभी लोगों को संपत्ति सुख प्राप्त होती है। हमारे यहाँ कहा गया है कि लक्ष्मी जी 8 प्रकार की है। देखिए ग्रंथों में, ये मैं ग्रंथ मेरे हाथ में है, यहाँ कहा गया है कि लक्ष्मी जी के 8 स्वरूप है। तो हमको क्या करना चाहिए, हमको यह करना चाहिए कि बाएं हाथ में अक्षत लेकर के, अक्षत मतलब चावल लेकर के, इस प्रकार से लक्ष्मी जी पे चढ़ाने चाहिए। ऐसे हाथ में चावल लेकर के सामने उन 8 लक्ष्मियों को प्रणाम करना चाहिए। या 8 लक्ष्मी कौन सी है, मैं 8 लक्ष्मियों के नाम बोलता जाऊंगा, आप नमः शब्द का उच्चारण जी, नमः बोल करके, ओम आद्य लक्ष्मी नमः, ओम विद्या लक्ष्मी नमः, ओम सौभाग्य लक्ष्मी नमः, ओम अमृत लक्ष्मी नमः, ओम काम लक्ष्मी नमः, ओम सत्य लक्ष्मी नमः, ओम भोग लक्ष्मी नमः, ओम योग लक्ष्मी नमः। 8 बार चढ़ाने के बाद में हाथ में जो चावल बच गए, ओम महालक्ष्मी नमः, महालक्ष्मी जी को संपूर्ण वे
अष्टलक्ष्मी जी का पूजन इसको कहा जाता है, यह कर लेना चाहिए। उसके बाद दोबारा हाथ में अक्षत लेने चाहिए और हमारे यहाँ आठ सिद्धियां हैं, उन आठ सिद्धियों के नाम से दोबारा चावल छोड़ने चाहिए। ओम अरिमणे नमः, ओम महिमने नमः, ओम गरिमणे नमः, ओम लघिमने नमः, ओम प्राप्त्यै नमः, ओम प्राकाम्यै नमः, ओम ईशितायै नमः, ओम वशितायै नमः। इन अष्ट सिद्धि का पूजन करने के बाद शेष चावलों को लक्ष्मी माता जी को समर्पित कर देने चाहिए। इसके बाद खड़े होकर के पूर्ण प्रसन्नता के साथ लक्ष्मी जी की हम पूजा आरती करेंगे। आरती के पूर्व मैंने आपको शुरू में कहा था कि दोनों तरफ गन्ने लगे हुए हैं, ये जय और विजय है लक्ष्मी जी के द्वार पर। दोनों के भी कुमकुम लगा करके आरती के पहले कुमकुम लगा दे, अक्षत लगा दे और उनके मूली मांग। ये कुमकुम आरती से पहले लगा, आरती से पहले, आरती तो अंतिम चीज, और उसके बाद हम लोग लक्ष्मी माता जी की आरती करें। आरती हम जब भी करें उसके पहले, आरती के पहले हम लोग एक श्लोक बोले। आरती क्या वो क्या है ये मैं आपको सुना देता हूँ, ये मेरे भक्त ये समस्त दर्शकों को भी ये श्लोक बोलना है। चतुर्दम सर्वलोकानाम, चतुर्दम सर्वलोकानाम तिमिरस्य निवारणम आर्तिक्यम कल्पितम भक्त्या गृहाण परमेश्वरी। हे परमेश्वरी आरार्तिक्यम गृहाण, यह बोल करके हमको आरती करनी है। सब लोगों को पता है प्रायः आरती के पहले एक श्लोक बोला जाता है, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम जगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयार विंदे भवम भवानी सहितम नमामि। ये वैसे तो महादेव जी की स्तुति है लेकिन पारंपरिक रूप से इसको आरती के पहले बोला जाता है। और उसके बाद में यदि हमको बहुत सुंदर मंत्र आते हो तो मंत्र बोले मना, ओम जय लक्ष्मी माता मैया जय लक्ष्मी माता, ये जो प्रसिद्ध आरती है पूरे निष्ठा के साथ सुंदर स्वर में गा करके लक्ष्मी जी की आरती करें। आरती कम से कम 14 बार लक्ष्मी जी के घुमाई जाए, ये विधान है। और आरती कैसे, आरती कैसे करनी चाहिए ये मैं आपको बता रहा हूँ। आरती करते समय घंटानाद होते रहना चाहिए, गरुड़ घंटा है। उस पर कई चीजें उल्टी पुल्टी बना देते हैं, गणेश जी बना देते हैं, वो गरुड़ घंटा ही होती है, गणेश घंटा नहीं होती, नंदी घंटा नहीं होती, वो गणेश घंटा है, वो गणेश घंटा नहीं और देव गरुड़ घंटा, गरुड़ घंटा का सुंदर उसमें ध्वनि होती रहे। समझने वाली बात है हमारे दर्शकों के लिए कि लाएं तो सिर्फ हाँ गणेश जी होने चाहिए, वो बिल्कुल गरुड़ ही, वो गरुड़ जी होने चाहिए, गणेश जी नहीं, गरुड़ जी होने चाहिए, क्योंकि गरुड़ जी महाराज के पंखों से वेदों के मंत्रों की ध्वनि उच्चा वो हमेशा निकलती रहती है, अतः वो गरुड़ घंटा होती है। आपने देखा होगा विष्णु भगवान के मंदिरों के सामने गरुड़ स्तंभ होता है, गरुड़ जी महाराज हाथ जोड़ करके परम भक्त है, भगवान की माता विनता के पुत्र है। तो आरती करें और आरती जब पूरी हम 14 बार घुमा दे उसके बाद उस आरती को रख करके जल से आरती करें लक्ष्मी जी की। शंख हो, शंख लक्ष्मी जी के भाई वो 14 बार घुमाने के बाद ही फिर हम शंख ले लें। हाँ 14 बार घुमाने के बाद ठीक है, वो शंख ले लें, शंख लक्ष्मी जी के भाई है, ये आनंद की बात है। समुद्र से ही लक्ष्मी जी उत्पन्न होती है, समुद्र से ही शंख उत्पन्न होते हैं, तो शंख से। और आनंद एक बात, हमारे यहाँ पंडित लोग बड़ा विनोदोक्ति में कहते हैं कि इसलिए भगवान विष्णु शंख को धारण कह रहते हैं, साले लगते हैं शंख भगवान विष्णु के, क्योंकि लक्ष्मी जी के भाई है। बिल्कुल, तो शंख की यदि ध्वनि कोई कर सके तो बहुत अच्छा है। अच्छा, कई लोग मिथ्या बात करते हैं घर में शंख नहीं बजाना चाहिए, नहीं, अपने यहाँ तो शंख हिंदू परंपरा में वैदिक सनातन धर्म में बहुत पवित्र है, मंदिर में कहते हैं कि युद्ध की घोषणा शंखनाद से की जाती है। जब युद्ध की घोषणा वाला शंख होता है ना तो उसके पहले महाशंख शब्द लगाया जाता है, इसलिए लिखा है महाशंखम भीम करमा वृकोदर है, गीता के प्रारंभ में आया कि भीमसेन ने जब पौंड्रम दद्मौ महाशंखम भीम करमा वृकोदर है, भीम ने जब शंख बजाए तो महाशंख था, शंख बजाए और शंख के बाद के अंदर माताजी की जल की आरती करे। आरती के बाद दोनों तरफ जल छोड़े माताजी के सामने, दाई तरफ बाई तरफ, और जल से द्यौः शांतिरन्तरिक्षगुं शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोघधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगुम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि सुशांतिर्भवतु सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु। चारों तरफ जल का प्रोक्षण कर लेते हैं, ठीक है। अब हमको क्या करना है, आरती ले ले। आरती लेने के बाद मैं निवेदन कर रहा हूँ लक्ष्मी जी को आरती नहीं दे, खुद ही ले, स्वयं ही आरती ले। जो भक्त होते हैं वही आरती लेते हैं, लक्ष्मी जी के आने लोग क्या करते हैं देवताओं को आरती देने लगे, पहले उधर देते हैं और फिर तो उनको नहीं देना, उनकी तो उतारी जा रही है आरती। स्वयं आरती लेवे और हाथ धो लेवे, आरती लेने के बाद हाथ धोवे, हाथ में दोबारा पुष्प और अक्षत लेकर के लक्ष्मी जी की पुष्पांजलि करें। बहुत श्लोक भी नहीं आते हो तो भी एक श्लोक का उच्चारण करें, ओम
नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शंख चक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते। ओम महालक्ष्मी च विद्महे सर्वशक्त्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात्। लक्ष्मी जी के पुष्पांजलि चढ़ा देने और तीन बार यूं प्रदक्षिणा करें हाथ को घुमा करके। यदि ऐसे प्रदक्षिणा करने के बाद तीन बार अग्नि अपनी जगह पे घूम करके प्रदक्षिणा करें, इसको प्रदक्षिणा कहते हैं। अपने स्थान पर तीन बार दाहिनी तरफ से घूमे, बाई तरफ से नहीं, दाहिनी तरफ से। हाँ, इस श्लोक का उच्चारण करें। यानि कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणा पदे पदे। इसके बाद भगवती लक्ष्मी को लेट, जो पुरुष है ये साष्टांग लेट करके प्रणाम करें, महिलाएं दंडवत प्रणाम करें, जो महिलाएं हैं वे घुटने टेक करके प्रणाम करें, जिनके घुटनों में दर्द हो वे हाथ जोड़ करके प्रणाम कर ले, जितना उनसे हो सके उतना प्रणाम करें। और उसके बाद में हाथ में जल लेकर के यह कहें, कृतेन अनेन पूजनेन भगवती परांबा महालक्ष्मी ही प्रियताम नमम। और जल को छोड़ देवे, भगवती लक्ष्मी से क्षमा प्रार्थना कर लेवे और यह प्रार्थना करें कि हम आपकी न पूजा जानते हैं न पाठ जानते हैं, हमने जैसी पूजा की है मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरी यत् पूजितम मया देवी परिपूर्णम तदस्तु में, हमने जो पूजा की है वह परिपूर्ण हो। इस प्रकार से माता महालक्ष्मी का पूजन संपन्न होता है। जी, एक अंत में आखिरी सवाल मैं आपसे ये करना चाहूंगा कि हमने माता लक्ष्मी की पूजा की, पूजा संपन्न कर ली, उसके बाद में पूजा का विसर्जन जो कई लोग अगले दिन करते हैं, कई सेम डे कर देते हैं, तो उसको मतलब उसकी विधि क्या रहेगी, वो विसर्जित कैसे करें, पूरी कैसे को? देखिए, प्रायः ये होता है कि व्यापार इत्यादि में जहां लोग दूर से पूजन करते हैं तो पूजा के तुरंत बाद ही देवताओं का विसर्जन कर देते हैं। लेकिन घर में ऐसा माना जाता है कि इस प्रदोष काल में जब लक्ष्मी जी की पूजा हम लोग कर रहे हैं तो संपूर्ण रात्रि लक्ष्मी जी विराजमान रहती है और दूसरे दिन शुभ समय का विचार करके, चौघड़िये का विचार करके लक्ष्मी जी का उत्थापन किया जाता है। उसमें कोई नहीं, दोबारा सुबह लक्ष्मी जी के स्नान करके, बिना स्नान करे उत्थापन नहीं होगा, जो पूजन कर रहे हैं वो स्नान करके सुंदर वस्त्र धारण करके दोबारा लक्ष्मी जी के केवल भोग लगा करके गंधाक्षत पुष्प उनको समर्पित कर देवे, भोग लगा देवे, फल चढ़ा देवे और लक्ष्मी जी महाराज से प्रार्थना करें। यान्तु देव गणा सर्वे पूजा आदाय माम कीम इष्ट काम समृद्ध्यर्थम पुनरागमनाय। हे गणेश जी महाराज, हे लक्ष्मी जी महाराज, आप सदा मेरे जीवन में, मेरे गृहस्थ में, मेरे व्यापार में मेरे साथ विराजमान रहिए। अन्य इस दीपावली पूजन में पधारे हुए जो देवता गण है वे मुझे, मेरे परिवार को, मेरे मित्रों को शुभाशीर्वाद, मंगलता का आशीर्वाद, मंगल आशीर्वाद प्रदान करके अपने अपने दिव्य धामों को पधारिए, फिर कोई शुभ कार्य लेकर अतिशीघ्र पधारे। इसके बाद में करना यह है कि उनके पाटा जो है उसको थोड़ा सा हिला देवे, यथास्थिति विराजमान कर देवे, जो सामान चढ़ा हुआ है वो किन्हीं पंडित जी को, ये जो नहीं हो मंदिर में पुजारी जी हो कोई आसपास हो उनको दे देवे, दक्षिणा वगैरह पंडित जी को दे देवे, उसमें से कुछ सामग्री कन्या को भी दी जा सकती है, हमारे घर की कन्या है तो भोग लगाए पहले कन्या को खिलाए। हमारे यहाँ कन्या ही साक्षात लक्ष्मी स्वरूप बनी है, लिखा है मार्कंडेय पुराण में, सौभाग्य आदि चयत किंचित दृश्यते ललना जने, जो भी स्त्रियों में सौभाग्य दिखाई पड़ता है वास्तव में वह भगवती लक्ष्मी जी का ही कृपा प्रसाद है। लक्ष्मी जी की कृपा से ही महिलाएं चमकती रहती हैं, सुंदर सुसज्जित द्योतित होती रहती है। अतः कन्या का पूजन कर देवे, कन्या को दक्षिणा देवे और कन्या से आशीर्वाद प्राप्त करें, इस प्रकार से लक्ष्मी जी का विसर्जन संपन्न होता है। तो ये थे हमारे साथ शास्त्री कौशलेंद्र दास जी, जिन्होंने बताया कि लक्ष्मी जी की पूजा किस तरह से करें, पूजा से पहले की तैयारी कैसे करें, पूजा को विधि पूर्वक कैसे करें, मंत्रोच्चारण कैसे करें और आखिरी में पूजा का विसर्जन कैसे करें। आप इस वीडियो के माध्यम से भी अपनी पूजा विधि पूर्वक कर सकते हैं। आप देख रहे हैं द नगरी मीडिया, मैं हूं अभिजीत शर्मा। नमस्कार, शुभ दीपावली।